हरिओम श्री राम अम्बज्ञ। मेरा नाम अमृता वीरा कुलकर्णी, मैं अंधेरी पश्चिम केंद्र से हूँ। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और मैं बापू के पास 2000 साल से आ रही हूँ। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ तो मैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग करती हूँ और हैंडमेड पेंटिंग्स करती हूँ। उसमें डेकोरेटिव नेम प्लेट्स, म्यूरल्स, डेकोरेटिव कैंडल्स, ये सब करती हूँ। तो 19 और 30 जुलाई 2017 को मेरा पार्ला में एग्जीबिशन था, तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी। और ये घटना सब 26 जुलाई को मेरे साथ बहुत बड़ी घटना, भयंकर घटना सामने आई। मैं तैयारी करते वक्त मेरे बर्तन में वैक्स जो था वो एकदम नीचे तक आ चुका था, इसीलिए मैं वैक्स शीट लेने के लिए ड्राई बालकनी में गई। वो लेके मैं 2 ही मिनट में सिर्फ आई, और आते जैसे आई वैसे किचन में पूरा धुआं धुआं फैला था, क्योंकि बर्तन ओवरहीट हो चुका था और वैक्स ओवरहीट हो चुका था। तो वो जो वैक्स शीट मैं लेके आई, जैसे ही धुआं दिखा वो मैंने वहीं पर रखी और पहले गैस बंद किया और सोचा कि बर्तन को नीचे उतार कर रखूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जैसे मैंने पकड़ लेके बर्तन को लगाया, वैसे ही बहुत बड़ी आग भड़की और उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, क्योंकि इसके पहले ऐसे 2-3 बार हो चुका था पर वो बहुत ही छोटा था, छोटी आग थी। तो मैंने बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा ताकि वो आग बुझ जाए, पर इस बार की आग बहुत ही बड़ी थी तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा नहीं कि मैं क्या करूं। तो मैंने वो टैप के नीचे पकड़ा, सिंक में लेके गई बर्तन और टैप के नीचे पकड़ा, तो पानी के फ्लो से वो वैक्स पूरा सिंक में आके गिरा और सिंक को आग लगी। ऐसे 2 बार हुआ और दोनों बार मैंने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो आग पहले भड़की थी उससे डबल इंटेंसिटी से वो भड़क चुकी थी, जो कि वो सीलिंग तक के लेवल पर जा पहुंची थी। और उस समय आग इतने पास थी मेरे कि मेरे कुछ बाल भी जल गए थे और मैंने नायलॉन का ड्रेस पहना था, मेरे बाल जल चुके थे। तो मुझे सूझा नहीं, वो मैंने बर्तन वैसे ही फेंक दिया और वहाँ से भागी। और जो भागी वो मैं सीधा मेन डोर के वहाँ पे आके गिर गई और मैंने चिल्लाया, माँ माँ करके मैंने मम्मी के नाम से चिल्लाया। तो मम्मी और मतलब गोधड़ी की सेवा चल रही थी घर में, मम्मी की 2-3 सहेलियाँ थी, तो मैंने चिल्लाया और सब जमा हुए थे। तो डैडी आए थे और मम्मी ने डैडी को बुलवाया और डैडी ने वो डोरमैट से पटक पटक के बर्तन के ऊपर वो आग बुझाई। और उस समय इतनी आग हो रही थी जो कि मैं गिर गई थी, मेन डोर के यहाँ पे गिरी थी। और जैसे ही मैं गिर के उठी और मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे हाथ में उबलता हुआ वैक्स चिपक गया है, वो सेंसेशन भी नहीं हुआ था मुझे। और मैं जैसे उठी तो थोड़ा सा अलग सेंसेशन मुझे हाथ के ऊपर हुआ, इसलिए मैंने हाथ ऊपर करके देखा तो हाथ की पूरी छिलके स्किन के बड़े बड़े छिलके निकल चुके थे, हाथ कांप रहा था और एकदम लाल लाल हो चुका था, बहुत ही आग हो रही थी। और उस समय मैंने अनुभव लिया कि आग क्या होती है। मेरे डैडी ने मुझे ठंडे पानी में हाथ डालने के लिए कहा, तो मैंने ठंडे पानी में हाथ डाला, डैडी ने बाद में ठंडे बर्फ से सेका और उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत थी तो मैं फैमिली डॉक्टर के पास गई।
डॉक्टर सुनील पाटिल जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत थी तो मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे टिटैनस का इंजेक्शन दिया, खुद की टैबलेट्स दी, एक बाहर की टैबलेट दी मुझे और सोफ्रामाइसिन दिया, और वो लेके मैं घर पे आई। वो टैबलेट मैंने ली और वैसे ही मुझे दादा की याद आई, तो मैं वैसे ही भाग दौड़ करके दादा के पास पहुंची। और दादा ने सबसे पहले मुझे एक सवाल पूछा कि ठंडे पानी में हाथ तूने डाला है या नहीं। तो मैंने बोला दादा मैंने डाला है, और डैडी ने बर्फ से सेका भी है। और दादा ने मुझे सवाल किया कि कौन से फैमिली डॉक्टर का नाम क्या है, कौन से फैमिली डॉक्टर के पास गई थी। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर सुनील पाटिल करके है। तो दादा ने बोला ये डॉक्टर तो अच्छे हैं, मैं इनको जानता हूँ और इन्होंने बहुत सही दवा दी है। और जैसे ही दादा ने हाथ देखा तो दादा बहुत चिंतित हुए थे। उन्होंने पौरव सिंह को बुलवाया और जैसे पौरव सिंह आए वो भी, उनके भी चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल चुके थे। दोनों ही बहुत ही चिंता में थे क्योंकि बर्न्स केसेस में, वो चिंता में थे क्योंकि बर्न्स केसेस में स्कार्स होते हैं और वो कितना परसेंट बर्न हुआ है, कितना डीप बर्न हुआ है, या नर्व्स तक जाके पहुंचा है या नहीं, या टिश्यूज के ऊपर तक गया है, कितना डीप हुआ है। इसके लिए दादा और पौरव सिंह बहुत ही चिंता में थे और उन्होंने, दोनों में बातचीत हुई और पौरव सिंह ने खुद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जन के पास मुझे भेजा जो कि बोरिवली में रहते हैं, उनका क्लिनिक बोरिवली में है। और ये सब होते होते 8:15 बज चुके थे। ये घटना मेरे साथ हुई थी 5:30-6 बजे, और ये सब होते होते 8:15-8 बजे थे। पौरव सिंह ने मुझे समझाया बिल्कुल घबराना नहीं, बापू साथ में है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, उन्होंने मुझे ये तक बोला कि कैसे जाओ, क्योंकि बर्न केसेस में आग बहुत होती है, तो एक थैली लो और उसमें ठंडा पानी लेके हाथ उसमें डलवा के आप वहाँ तक जाइए क्योंकि आग बहुत होती है। तो ये पहुँचते पहुँचते अंदाज से 11:15 बज चुके थे और पौरव सिंह ने खुद ही अपॉइंटमेंट ली थी, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली थी। उन्होंने डॉक्टर सचिन तेंदुलकर को बोल के रखा था कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, इमरजेंसी है। तो मैं 11:15 बजे पहुंची, पहुंचते पहुंचते डॉक्टर 9 बजे क्लिनिक बंद करके जा चुके थे। और वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए डॉक्टर पौरव सिंह ने अपॉइंटमेंट लिए थे, तो वो मेरे लिए घर के कपड़े में मेरे लिए आए और उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने मुझे हिस्ट्री पूछी कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, वैक्स उबलता हुआ, वैक्स मेरे हाथ के ऊपर आके गिरा है और ये 5:30-6 बजे हुआ है। तो उन्होंने ड्रेसिंग के लिए शुरुआत की और मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल किया कि ये डॉक्टर डीप बर्न्स है या नहीं, सिर्फ इतना ही मुझे बोलिए, क्योंकि ये हाथ जल चुका था, वो सब ठीक है, मुझे उसके बारे में इतना कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो आज ना कल तो रिकवर हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो वो रिकवर होने ही वाला है। पर डीप मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि डीप बर्न्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा कि डॉक्टर डीप बर्न्स है या नहीं, आप मुझे इतना ही बोलिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे तुझे लग रहा है कि डीप बर्न्स, ऐसा कुछ नहीं है, बैक्स से इतना डीप बर्न्स नहीं होता, पर अगर इसकी जगह केमिकल्स होते तो ज़रूर डीप बर्न्स होते। तो उन्होंने ड्रेसिंग के लिए शुरुआत की, उन्होंने कैंची लेके, जो हाथ की स्किन पूरी छिलके छिलके निकले थे, वो बड़े बड़े छिलके, उन्हें वो कैंची से काटे हैं और बाद में बैक्टीरियल दवाइयाँ लगाकर उन्होंने ड्रेसिंग करवाई। और ड्रेसिंग करवाने के बाद 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे सेकेंड ड्रेसिंग के लिए बुलाया था, जो कि मेरा एग्जीबिशन का ओपनिंग था उसी दिन, 29th of July 2017। वो ओपनिंग मैंने किया और
वापस अंधेरी आई ड्रेसिंग करने के लिए, ड्रेसिंग करवा के वापस मैं एग्जिबिशन की जगह पहुंच गई और एग्जिबिशन मैंने बहुत ही एन्जॉय किया। इतना सब हुआ है, इतना सब भयानक घटना मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे मैंने बहुत एग्जिबिशन एन्जॉय किया। और सेकंड ड्रेसिंग जब वो कर रहे थे तभी हाथ देखने लायक नहीं था, क्योंकि हाथ के ऊपर पूरा लाल भड़क मांस ही था जो कि कोई देख नहीं पाता, हाथ देखने लायक नहीं था। तो उन्होंने सेकंड ड्रेसिंग करवाई, मैं एग्जिबिशन में आई, एग्जिबिशन मैंने एन्जॉय किया। पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई सामान्य व्यक्ति डर जाएगा, किसी के मन में घबराहट होगी, पर ये सब में से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल घबराई नहीं थी, मम्मी के सहेलियाँ थी वो घबराई हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल घबराई नहीं थी, क्योंकि ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः, ये जो जाप है वो सिर्फ जाप नहीं है, वो सामर्थ्य बापू ने मुझे दिया था, ये सब सहने का सामर्थ्य उन्होंने मुझे दिया था। तो मैं बिल्कुल घबराई नहीं थी, बिल्कुल घबराई नहीं थी, ये सब अशक्य है। जो ये पूरे अनुभव में सब इम्पॉसिबल थिंग्स थे, क्योंकि मैंने नायलॉन का ड्रेस पहना था, जो बर्तन मैंने फेंका था, आग लगा हुआ बर्तन मैंने फेंका, वो बर्तन का वैक्स मेरे हाथ के ऊपर आके गिरा था, वो मेरे चेहरे पर भी आ सकता था। किचन देखा जाए तो किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, महानगर पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन पास में ही थी, जो मैंने वैक्स की शीट लाई थी और वो धुआं दिखा इसीलिए मैंने वो वहीं पर रखी थी, वो भी जल सकती थी। लकड़े का मंदिर है वो जल सकता था, किचन जल सकता था, आग लग सकती थी, पर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये सब इम्पॉसिबल थिंग्स मेरे साथ हुई, लेकिन ये सिर्फ बापू की वजह से, बापू ने पॉसिबल की, जो कि हम शनिवार के उपासना में पढ़ते हैं, उपासना करते हैं, अशक्याचे शक्य मी करी न, वो पॉसिबल, वो शक्य बापू ने करवाया। मुझे सिर्फ आई बापू दादा को बहुत अंबद्य कहना है, बहुत ही श्रीराम कहना है। हरिओम, श्रीराम, अंबद्य।